नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच कल मुकाबला खेला गया, जिसे गुजरात लायंस ने 7 विकेट से जीत लिया। आपको बता दें कि इस दौरान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाए और केवल 8 गेंद खेलकर 5 रन बनाकर वो रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हो गए। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने बेहद खुशी से इस विकेट को सेलिब्रेट किया। गौरतलब है कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का कल कोई बल्लेबाज गुजरात लायंस के सामने नहीं टिक पाया। वहीं गुजरात लायंस के रविंद्र जडेजा ने कल आईपीएल का अपना पहला मुकाबला खेला। वो चोटिल होने के कारण अभी तक मैचेस नहीं खेल पा रहे थे और जैसे ही उन्होंने एक बार फिर से आईपीएल में वापसी की, उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त महेंद्र सिंह धोनी की विकेट चटका दी। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए, वैसे ही सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त रविंद्र जडेजा को बॉल थमा दी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने एमएस धोनी को LBW आउट कर दिया। इसके बाद जहां महेंद्र सिंह धोनी चुपचाप क्रीज से वापस चले गए, वहीं रविंद्र जडेजा ने दोस्त की गिल्लियां उखाड़कर काफी खुशी जताई। गौरतलब है कि गुजरात लायंस ने ये मैच 7 विकेट से 12 गेंद रहते जीत लिया है। गुजरात लायंस की आईपीएल 10 के टूर्नामेंट में ये पहली जीत है। वहीं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की लगातार ये 3री हार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति के दिग खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।